अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक इतने मज़े का टॉपिक शेयर कर रही हूँ, विच इज़ अबाउट हाउ टू चेंज योर लाइफ। किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, इसका हमने बनाना है एक एक्शन प्लान फॉर रिमेनिंग डेज इन दिसंबर। 14 दिन है, इन 15 दिनों के अंदर, 15 डेज के अंदर हमने अपनी लाइफ को या अपने अगले ईयर को 2024 को किस तरह से चेंज करना है, उसमें किस टाइप की चेंजेस लेकर आनी है, ये उसमें किस तरह से हमने अपनी लाइफ को खूबसूरत बेटर बनाना है। उसमें सिर्फ हम नहीं है, हमारे बच्चे भी हैं, हमारा घर भी है। तो लाइफ चेंजिंग स्टेप्स क्या लेने हैं अगले साल के लिए या आने वाली जिंदगी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा। अगर आप एंड तक सुनेंगे तो आपको बिलीव मी इतना फायदा होगा, यू विल लव इट। कि मैं आई विश ये मैंने पिछले साल किया होता, आई विश ये सारे पॉइंट्स मैं पिछले साल आखिर दिसंबर में लिख लेती या उसका प्लान बनाती, एक्शन प्लान, और उसके बाद मैंने उसको जनवरी से इंप्लीमेंट करना है। तो आज आपने पेंसिल कॉपी पकड़नी है, ये 10 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने किस तरह से, हाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ इन 15 डेज प्लान, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने जनवरी से उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करना है अपनी लाइफ के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डू 1 10-मिनट जर्नलिंग सेशन डे फॉर अ वीक। आपने करना क्या है कि आपने ना जैसे 10 मिनट का, मैं आपको बताती हूँ ना कि अपनी लिखा करें कि आपने क्या क्या काम करने। जर्नलिंग में सिर्फ काम नहीं होते, उसमें बहुत सी चीजें, उसमें आप फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। मतलब एक जर्नल लेके, एक डायरी लेके, कोई भी इस तरह का जो है वो कॉपी लेके उसमें आपने लिखना है। उससे ना डेली 10 मिनट्स, आप 10 मिनट्स जब डेली उसको लिखेंगे, जैसे अब मैं अगर अपनी मिसाल आपको दूं तो मैं क्या लिखती हूँ, मैंने कल क्या क्या काम करने, फिर मैं रात को उसको चेक करती हूँ कि मैंने ये कर लिया। और 10 मिनट्स ओनली, इट टेक्स 10 मिनट्स। मैं लिखती हूँ, हाँ जी मुझे आज अम्मी को कॉल करनी है, आज फर्नीचर वाले से बात करनी, क्योंकि मेरे घर में ना फर्नीचर वगैरह का काम बहुत चल रहा है अभी तो, और या तो मेरा कोई पार्सल आना है मैं वो लिख लेती हूँ, या फिर मैंने कौन सी जगह को ऑर्गेनाइज करना है मैं वो लिख लेती हूँ, फिर मैं अपना पूरा व्लॉग का डिटेल लिख लेती हूँ। इट टेक्स हार्डली 10 मिनट्स। एंड खाना क्या पकाना है वो लिख लेती हूँ, ब्रेकफास्ट में क्या करना है, लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है, टी में क्या करना है, पानी कितना पीना है, वो सारा ना मैं 10 मिनट में लिख लेती हूँ। और बिलीव मी रात तक मैं उसको चेक करती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। एंड इट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। जब आप ये करेंगी ना तो सीरियसली आपकी जिंदगी एक अनऑर्गेनाइज लाइफ से ऑर्गेनाइज लाइफ की तरफ आ जाएगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज इवेल्युएट योर करंट लाइफ। अपनी इस ये जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं ना, उसकी जरा एक जांच पड़ताल कर लें कि जी मैं कहाँ हूं और मुझे किधर तक जाना है, या मैंने यहाँ मेरी ये सिचुएशन है और जो मेरी आइडियल सिचुएशन है मैं कैसे उसको अचीव कर सकती हूँ, दैट इज द मेन थिंग। तो उसके लिए ना आपने ये करना है कि सारा पहले इवेल्युएशन कि अच्छा जी मेरे बच्चों की प्रोग्रेस कहाँ जा रही है, मेरे घर में कौन से रूम को जरूरत है कि मेरी अटेंशन मैं उसको दे सकूं, या जो जो चीजें आपको लगता है आपकी जिंदगी में फ्लॉज हैं उसको सीधा या सही कैसे करना है, अवैल्यूएट करना, उनको बैठ के देखना और फिर उन पे काम स्टार्ट करना। दैट इज द मेन थिंग जो आप अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। बुक्स रीडिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ बुक्स यू वॉन्ट टू रीड। आई नो आजकल इंटरनेट का जमाना है, बुक्स रीडिंग ओल्ड फैशन लगता है, कोई भी बुक रीडिंग नहीं करता, बट बिलीव मी इट इज अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर योर ब्रेन, फॉर योर हेल्थ। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फोन ऑल डे लॉन्ग और टीवी ऑल डे लॉन्ग, बुक रीडिंग ओल्ड फैशन जरूर होगा, बट मुझे याद है मेरे हस्बैंड हर रात को बुक रीड करते थे। आहिस्ता आहिस्ता, पहले मैं भी करती थी बहुत ज्यादा, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया, लेकिन अब I read the books. I have a lot of books and मैंने books start की हैं daily. आप सिर्फ 2-4 pages ही पढ़ लेना, that is a big thing. तो list बनाए कि अगले साल मैंने कौन कौन सी books लेनी है और पढ़नी है। सबसे important चीज़ ये है कि मैंने कौन कौन सी books को पढ़ना है, वो बहुत importance रखता है। तो अपनी एक list बनाए, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान ना, मैंने कहीं पढ़ा था उसमें था कि अगर आपके घर में आपका टीवी आपकी लाइब्रेरी से बड़ा होना तो समझ लें कि आपके घर में बहुत ज्यादा जहालत है। तो प्लीज आपने उस कैटेगरी में जहालत वाली में नहीं आना। नेक्स्ट इज बाय वन ऑफ दोज बुक्स एंड रीड 10 पेजेस। 10 पेजेस पढ़ लें, जरूरी नहीं अंग्रेजी की किताब हो, वो कोई भी उर्दू की किताब हो सकती है,
कोई भी बुक हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपने अंग्रेजी ही लेनी है, आप कोई भी किताब, हदीस वाली बुक ले लें, आप अच्छी मीन्स अंबिया की स्टोरीज वाली बुक ले लें, आप 10 पेजेस पढ़ लें, आपको इतना अच्छा फील होता है ना, भले ओल्ड फैशन हो, मैं आपको बता रही हूँ, खरीदें और 10 पेजेस का टारगेट रखें कि मैंने डेली पढ़ना है। ये आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है कंपैरेटिवली स्क्रीन के। सबसे इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई योर बैड हैबिट्स, जो कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। बैड हैबिट्स तो हम कहते हैं हमें है ही नहीं, हर बंदे को होता है, मैं फरिश्ता हूं और मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मुझमें गलती हो ही नहीं सकती। अपनी बैड हैबिट्स को आइडेंटिफाई करें। मेरी बैड हैबिट थी, मैं लेट तक जागती थी और मैं बहुत लेट उठती थी। आई आइडेंटिफाइड दैट बैड हैबिट और मैंने उसको कोप करने की कोशिश की। तो आइडेंटिफाई करें अपनी बैड हैबिट को एज सून एज पॉसिबल। वो कुछ भी हो सकती है, गुस्से में आना, मुझे भी गुस्सा आता था, मैं ट्राई करती हूँ कि बहुत कंट्रोल करूँ अपने आप को। थोड़ा सा मुझे ये भी होता था कि किचन गंदा ना हो बहुत ज्यादा, अब मुझे होता है कि कोई बात नहीं है अगर थोड़ा सा हो जाता, क्योंकि मैं कुकिंग ही नहीं कर पाती थी अगर मेरा किचन गंदा होता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ना, नहीं, सफाई का ख्याल आपने रखना है, लेकिन अगर कोई चीज इधर से उधर हो जाती है तो बच्चों को डांटना नहीं है, ये मेरा कहने का मकसद है। तो उनको सिखाएं, उनको समझाएं, दे विल डू व्हाट एवर यू वांट, बट द थिंग इज कि आपने अपनी लाइफ को आसान बनाना है, अच्छा बनाना है और आइडेंटिफाई करना है कि आप में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है और उनको कोप करना है, उनको सही करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ लिस्ट ऑफ गुड हैबिट्स दैट यू वांट टू गेट इनटू। क्या मतलब, जब आपने अपनी बैड हैबिट्स को आइडेंटिफाई कर लिया और फिर उसकी लिस्ट बनाए कि देखिए हाँ जी मुझे ये गुड हैबिट्स अपने अंदर जनरेट करनी है, वो आप बचपन से तो जो बैड हैबिट्स आप में आई हुई है वो तो आई हुई है ना, उसको खत्म किस तरह करना है, उस पे काम करना है। तो जो जो गुड हैबिट्स आपने अपने अंदर लेकर आनी है, उसके लिए बेस्ट चीज क्या है कि आपने वो चीज डेली बेसिस पे अपने माइंड में रिमाइंड करनी है कि मैंने आज ये नहीं करना। जैसे मैंने एक खातून को देखा था, शी यूज टू स्क्रीम नॉट टॉक। एक होता है बात करना, एक होता है चीख के बात करना। तो अगर अल्लाह ना करे वो हैबिट मुझ में हो, तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि नहीं, मैंने इस हैबिट को खत्म करना है, इस हैबिट को इधर ही फुल स्टॉप लगाना है, एंड आई विल टॉक पोलाइटली। तो अपनी बैड हैबिट को फुल स्टॉप लगाएं एंड गुड हैबिट को अपनाना शुरू करें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज गेट क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। हमें पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है या आगे अगला साल है। जैसे अब मैं आपको अपनी मिसाल दूं, अगला साल है, मुझे हर साल मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाती थी कि मैंने ना वेट रिड्यूस करना है। नो, इस साल मेरा वेट रिड्यूस करना टारगेट है ही नहीं। मैंने पहले ही अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही थी, एंड आई वाज टेलिंग हिम कि मेरा नेक्स्ट ईयर का जो है ना वो टारगेट ये होगा कि मैंने अपनी हेल्थ को ठीक करना है, बिकॉज आई एम फेसिंग सो मेनी हेल्थ इश्यूज फ्रॉम द पास्ट टू थ्री ईयर्स, 2021 से अभी तक, शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वर्टिगो, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां मैं पाल के बैठ गई हूँ। तो मुझे इस साल अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अपनी हेल्थ पे काम करना है। तो अपने माइंड को क्लियर बनाए कि अगला जो साल आने वाला है मुझे उसमें क्या टारगेट है मेरा, उसको मैंने अचीव किस तरह करना है, उस पर मैंने काम किस तरह करना है। ये सोचना जी 100 किलो वेट है तो मैं 65 किलो पे आ जाऊंगी, ये एक अनहेल्दी टाइप की चीज है जो आप अपने माइंड को बताती रहेंगी कि मैंने वेट रिड्यूस करना है। इस पर मत काम करें, अपनी अपनी एक एक ऐसी चीज अपने दिमाग में रखें कि जो कि अचीवेबल हो। गोल बनाए, क्लियर करें अपने माइंड को कि मुझे क्या चीज करनी है अपनी लाइफ के साथ और मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें अपने माइंड को क्लियर बनाएं, ना कि आप ऐसी चीजों को माइंड में रखती रहें कि जो आप कर ही नहीं पाएंगे, और फिर वो क्या होता है, बंदा थक हार के कहते हैं कि दफा करो मैं नहीं करती। तो अपने लिए ऐसी चीजें माइंड में रखें जो कि बिल्कुल क्लियर हो, आपको पता हो कि आगे आपने इस अपनी जिंदगी के साथ करना क्या है और किस तरह से करना है। नेक्स्ट इज ब्राउज ऑनलाइन कोर्सेस। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको जिंदगी में एक ड्रीम होगा, जिनकी जिंदगी में होगा कि हमने ये काम करने थे लेकिन वो हो नहीं पाए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, नहीं हो पाए। अब ये साल आप ये सोचें कि ये तो खत्म हो गया 2023, 2024 में मैंने क्या करना है कि मैंने एक कोर्स जो मैं हमेशा करना चाहती थी, उसमें बेकिंग हो सकती है, उसमें निटिंग हो सकती है, उसमें स्टिचिंग हो सकती है। तो ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं, लैंग्वेजेस के होते हैं, फ्रेंच कोर्स होता है, इंग्लिश के कोर्सेज होते हैं। जो चीज आपको फील होती है ना कि मैं कर नहीं पाई अपनी शादी की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, वो
ऑनलाइन कर ले। अब जैसे मैं फर्ज करें, जैसे अगर आप नमल जाते हैं फ्रेंच का कोर्स करने के लिए, आपको पूरा 4 महीने जाना पड़ता है डेली बेसिस पे। बट ऑन दी अदर हैंड ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्रेंच आपको सिखा रही हैं। तो क्या करना है, आपने फ्रेंच सीख ली, आपने कुकिंग का कोर्स कर लिया, आपने बेकिंग का कर लिया, मैंने इतने, आप एक दफा से बोल देना अपने फोन के सामने तो आपको कोर्सेस आना शुरू हो जाते हैं ऑनलाइन। तो अगला साल टारगेट बनाया कि मैंने एक आध कोर्स तो जरूर करना है जो कि मुझे लाइफ में, मेरी लाइफ को चेंज कर दे। तो अभी ये जो आपको 15 डेज का टारगेट दिया गया है ना, उसमें आपने ये सारी जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, इन सब की रिसर्च जो है ना इन 15 डेज के अंदर करनी है और अपनी लाइफ में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू करनी है। ये जो पॉइंट है ना, डिजाइन योर ड्रीम लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लाइफ को जिस तरह से आप गुजारना चाहती हैं, जिस तरह से आप रहना चाहती हैं, उसको इन 15 डेज के अंदर आपने सोचना है कि नहीं, ये मैंने माइंड में रखा है, ये चीज तो मैंने करनी है, अपने घर को चेंज करना है, अपने बच्चों की पढ़ाइयों में उनकी हेल्प करनी है, जो ड्रीम आपने कभी सोचा है अपने घर में रहने का, अपनी जिंदगी पे गुजारने का, वो आपने डिजाइन करना है इन 15 डेज के अंदर कि नहीं, मुझे ये टारगेट रखना है। उसके बाद मैंने इसको लुक बैक नहीं करना, अपनी जैसे पुरानी खराब आदतें हैं उनको खत्म करके अच्छी आदतों को अपनाना है, पोलाइटली बोलना है, तरीके से अपना घर रखना है, अपनी जिंदगी को चेंज करना है, अपने बच्चों की लाइफ पे फोकस करना है, इन सारी चीजों को आपने इन 15 डेज के अंदर properly डिजाइन करना है कि अगला पूरा साल मेरे बच्चों की प्रोग्रेस, मेरा घर, मेरा किचन, मेरी लाइफ, मेरा गेटअप, मेरे बच्चों का गेटअप, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू चेंज। तो डिजाइन करें अपनी लाइफ को इन दीज 15 डेज। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेक एक्शन। सिर्फ ये नहीं है कि सबके प्लान बना लिए तो बस उसको कागज में बंद करके, डायरी बंद करके रख दी। नो, अब आपने इस पे एक्शन लेना है फ्रॉम January 1st। This should be your life changing resolution कि मैंने अपनी जिंदगी को ना इस न्यू ईयर पे किस तरह से चेंज करना है। You have 15 days, plan everything, write it down, jot it down and उसके बाद आपने क्या करना है, अपना action plan start करना है from January 1st। I think it's very clear to everyone कि किस तरह से आप अपनी life को, अपने बच्चों को, अपनी जिंदगी को, आपने अगले साल के लिए इस पुरानी घिसी पिटी जिंदगी को अगले साल नहीं लेकर जाना, खैर से इंशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारनी है, चाहे वो कोई भी मैटर हो, उसमें आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। सो होप आज आपको ये पॉइंट्स बड़े हेल्पफुल लगे होंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, मैं आ गई थी क्वेटा से पिंडी और घर आई हूँ, तो बस जो मैं शॉपिंग कर रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है और घर मेरा अप एंड डाउन है क्योंकि मैं 12-13 दिन घर पे नहीं थी। तो अभी मैं उन सारी चीज़ों को जगहों पे रख रही हूँ और घर मेरा बहुत गंदा हुआ था, गंदा इन द सेंस के फैला हुआ था, तो कुछ चीज़ें और कुछ इतना सामान मैं लेकर आई थी ना, 4-5 बैग्स थे क्योंकि आते हुए एक बैग एक्स्ट्रा बन गया था हमारा क्योंकि मैंने शॉपिंग की थी। तो वो शॉपिंग में ये देख रहे हैं आप, मैंने अपने लिए स्टीम आयरन, पहले मेरे पास बड़ी वाली थी, मैंने छोटी वाली ली है और ये मैंने ली है दुबई प्लाजा से। तो दुबई प्लाजा में दुबई का सामान आता है, तो वो अगर आप जाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी शॉपिंग होती है वहां पर। तो वो सारी चीजें मैं जो हूँ खोल रही हूँ, उनको जगहों पर रख रही हूँ, अपने घर को सेट कर रही हूँ, अपने घर को सही कर रही हूँ। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि मैं अपने जो है अभी घर में आई हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स फॉर नेक्स्ट ईयर जो मैंने इंप्लीमेंट करने हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को चेंज करना है इंशाल्लाह ताला। तो वो सारी चीजें होंगी, आप लोग मेरे कमिंग व्लॉग्स में देखेंगे, अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माय हाउस। सो ये था जो है मेरा सॉरी मेरा ना गला आके ना, मैं अपनी बहन के घर थी लास्ट डे, तो सुबह जो है ना मैंने अपनी मेडिसिन लेने के लिए पानी पिया था कि बाहर पड़ा हुआ पानी था डाइनिंग टेबल के ऊपर, बट बिलीव मी उसके बाद मेरा गला बैठ गया और इतना शदीद बैठ गया कि मैंने इतनी मुश्किल से ना इस वक्त वॉइस ओवर किया। बट क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग्स बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, सो आई थॉट कि नहीं, मुझे अभी जो है ना आप लोगों के साथ अपने रेगुलर व्लॉग्स पे आ जाना चाहिए। बीच में मैंने बहुत सारी शूट की थी वीडियोज, बट वो मुझे था कि नहीं वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगा मेरा क्वेटा का व्लॉग के व्लॉग्स जो है, क्योंकि बिकॉज मैं वापस आ गई हूँ, मुझे अभी इस पे काम करना शुरू करना है, तो वो बेहतर है कि मैं वो शेयर ना करूँ, तो वो मैंने फिर शेयर ही नहीं किया। तो खैर ये थी मेरी होल जर्नी क्वेटा की। थैंक यू सो मच मेरे भाई की मेहंदी एंड शादी को लाइक करने के लिए। और अब जो है मैं वापस आ गई हूँ और अब इंशाल्लाह ताला आप बड़े ही जबरदस्त किस्म के व्लॉग्स देखेंगे,
वेरी फुल ऑफ, कहते हैं ना कि मोटिवेशन, ताकि अगला आपका जो जो भी साल आते हैं तो आप बड़े मोटिवेटेड हो और आप लोग अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाएं और बहुत अच्छा जो है ना अपनी लाइफ को कर दें, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर हस्बैंड, फॉर योर किड्स एंड फॉर योर होम। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। And see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। Take care and Allah Hafiz.